अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम अपने मुआशरे में देखने जाए तो हमें दुआ मांगने का सलीका पता नहीं है। हम अनजाने में ऐसी ऐसी दुआएं मांग लेते हैं जिसे रब तबारक व तआला राज़ नहीं होता है। तो आज हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी दुआएं हैं जिसको हम अगर मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आती। पहली, हमें मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो आज इंसान हर मुसीबत में यही चीज़ कहता है कि मुझे मौत आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कर्ज़े में डूब गया या कोई माल असबाब उसने मंगाया था और उसमें उसको नुकसान हो गया, या फिर कोई इंसान किसी का रिश्ता लगा था टूट गया, तो अब इन सब चीज़ों में क्या है कि इंसान यही चीज़ दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसे मौत अता फरमा देता तो इससे बेहतर होता, जबकि वो ये नहीं जानता कि अल्लाह तबारक व ताला ने इससे भी बेहतर उसके लिए कुछ रखा है। तो किसी भी मुसीबत के आने की वजह से मौत की दुआ मांगना ये चीज़ गलत है। हाँ, दुआ मांगनी है मौत की तो वो इस तरीके से मांग सकता है कि ए अल्लाह, जब तक तूने मेरी ज़िंदगी लिखी है तू मुझे ज़िंदा रख, और जब मेरी मौत आए तो मुझे ईमान पर मेरा खात्मा अता फरमा। और दूसरी दुआ गुनाहों की दुआ है। आजकल ऐसा होता है कि लोग सट्टेबाजी के खेल में पैसा कमाने के लिए किसी चीज़ पर दाव लगा दिया, पैसा लगा दिया, और बाद में कहते हैं कि हज़रत दुआ कीजिए कि फला इंसान इस चीज़ में कामयाब हो जाए तो मुझे इतना माल मिलेगा। या तो फिर सूदखोरी का कि कोई इंसान मालदार है और वो सूद पर पैसा देता है और कहता है कि दुआ कीजिए हज़रत कि मेरे पास लोग आए और मुझसे पैसा लेकर के जाए ताकि मुझसे ज़्यादा मुझे पैसा मिले। या तो फिर और गुनाहों में जैसे कि जिनाकारी, चोरी, यानी कि ये दुआ करके करने के लिए बोले कि हज़रत आप दुआ कीजिए कि फला इंसान जो है वहाँ से दूर हो जाए, अपना घर छोड़ दे तो मैं वहाँ चोरी कर सकूँ। या तो फिर ये दुआ कि जो आजकल हमारे नौजवानों में ज़्यादातर पाई जाती है कि किसी शादीशुदा औरत के साथ मोहब्बत कर ले और ये बोले कि हज़रत दुआ कीजिए कि फला औरत मेरे काबू में आ जाए, फला लड़की मेरे काबू में आ जाए और उसके साथ बदसलूकी, बाद में जिनाकारी भी करे। तो ऐसी सब दुआएं जो है वो नहीं करनी चाहिए। ऐसी दुआएं अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में करना ये अल्लाह ताला को नापसंद है और शरीयत में भी ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए, सब नाजायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।